हमारे साथ हैं व्यवसायी प्रकोष्ठ राजद के महासचिव, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी पिछले दो कैसे। देखिए क्या है ना, अंदर की आग अगर है, जिद जुनून और जज्बात है, तो एक काम किया, दो काम किया, पांचवा दो काम करते हैं। उठा कर देख लीजिए इतिहासों को, जिनके पास टू एंड आई बट नॉट वाली जज्बात है, कर गुजरने की बात है, वो बहुत कुछ कर जाते हैं। हमको यह खुश नसीब आप लोग का है, लाल प्रसाद यादव जी का है, मुक्ता सिंह यादव जी का है, जिन्होंने हमको समझा इसके अंदर कुछ आग है। ये जो बीज भटक रहा था रोड पर, उसको अगर लगा देंगे जमीन से तो कुछ करेगा। इन्होंने जमीन को जमीन से लगाया, आरजेडी जमीन से ये बीज को, और एहसास कराया वाट एम आई, मेरी संभावनाएं क्या है, मेरी प्रतिभाएं क्या है, मेरी युक्ताएं क्या है, मेरी क्षमताएं क्या, गुणवत्ताएं क्या, मैं कर क्या सकता हूँ, मेरी परिचय क्या है। हमें परिचय लालू प्रसाद यादव ने दिए, हमारी परिचय हमें मुनका सिंह यादव ने दिए, एहसास कराया है। जीना है तो दूसरों के लिए, लालू प्रसाद यादव मुनका सिंह यादव ने चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं, चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं, और कुछ भी नहीं दिया माननीय लालू प्रसाद यादव ने। सही प्रयास क्या कम है कि 55 साल का लोबा के जमाने भर में एक नया पहचान दिए हैं, उन्होंने हमको एहसास कराया है, बताया है और फीलिंग हुआ है कि आज के परिवेश में पैसे वालों जो नहीं है, धनवान जो नहीं है, आज जरूरत है विचार व्यवहार स्वभाव संस्कार व्यक्तित्व चरित्र सूझ बूझ बुद्धि विवेक मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी वफादारी, इसी का अभाव है। अब बोलता है विनय बिहारी, इसी का अभाव है, इसीलिए कोरोना डेंगू और मलेरिया का जमाने भर प्रभाव। मैं यही जानता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी जब जब जेल में जाते हैं, उन्हें लोग परेशान करते हैं, जो ही परेशान करते हैं उनके जो आपको हम पसंद नहीं करते, आप हमको प्रतिनिधि होता ना है, परेशान करते हैं वो, और पहलवान होते हैं। उठा के देख लीजिए कितने बार उन्हें जेल गया और उतने बार उनको पार्टी और फलता फूलता गया। आज के डेट में, आज के परिवेश में सबसे बड़ी पार्टी है ना, ये कटु सत्य है, बात समझ लिए। लालू प्रसाद यादव जी के इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कि हमें जो जितना परेशान करता है, हम तार की तरह ऊंचा हो जाते हैं और पीट पर की तरह मजबूत हो जाते हैं। तो बात समझिए, जो पौधे जो है ना, बादाम खाने से आदमी मजबूत नहीं होता है, ठोकरे खाने से मजबूत होता है। मैंने कहीं पढ़ा था ठोकर खाए हैं और ठोकर हम भी खा रहे हैं। लालू जी जब जब जेल जाएंगे तो आरजेडी मजबूत होगी। लालू प्रसाद यादव जी जेल जाते हैं तो मजबूत तो होते ही है, उनकी विचारधारा ऐसा है, विचार है, व्यवहार है, स्वभाव संस्कार है, तो हवाओं में चल रही है। तो बार बार लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं तो जनता भी समझ गया है कि एक ही घोटाला, एक ही लालू प्रसाद यादव, एक ही गुनाहगार पूरे हिंदुस्तान में, और क्या नहीं है तो समझ में आ गई है। और जहाँ जो मैसेज बढ़कर जाना चाहिए वहाँ जा तो रहा है। बताना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, समझाना चाहते हैं कि दुख मुसावत दुख मुसीबत इंसान के अंदर बहुत जरूरी है। जिसके जिंदगी में दुख मुसीबत परेशानी नहीं है, उसका जिंदगी एकदम अधूरी है। इसलिए भैया बात को सुनिए, जब चुनना है तो दुख मुसीबत परेशानी को चुनिए, जैसे लालू प्रसाद यादव चुना है। एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब गुरबाओं के दिलों में राज करते हुए एक दिन स्वर्ग से रथ आए। आप क्या करते हैं? मैं बिस्कुट का दुकान करता हूँ, और बिस्कुट का दुकान करता हूँ और उससे जो पैसा आता है दुनिया जानता है। पिछले बार मैंने तेल 150 रुपये धारा, ये दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मैंने बांट दिया, और जब प्याज 100 रुपये किलो था तो मैंने इसी कमाई का 50 रुपये किलो बांट दिया, जिसका आप लोग कहीं ना कहीं मोबाइल में होगा। और ये मास 30 टन था, पहला टन में कोई घर से नहीं निकलता, दर्दे कमाई, मैंने मास बांटा। अपने कमाई के कितने हिस्से बांटा? मैं अपने कमाई का 55, 50, 45, 60 जो कमाते हैं बचा के लगाते हैं। आज भी रखूँ, आज भी कमाऊंगा, पैसा मैं बचाऊंगा और बचा करके 50% रख दूंगा अलग, और जब महीना में हो जाता है ये 10,000, 5,000, 7,000, 3,000 तो देख कर बुलाता है, नोचनी हो जाता है कि परोपकार करना है, ऊपर जाना, परमात्मा के पास मुंह दिखाना है, तो क्या करेंगे। ये पाठ क्या है, मैं आंसुओं को इतनी महंगी कर दूंगा कि कोई नहीं रो पाएगा, और खुशियों को इतना सस्ता कर दूंगा। परिवार, मेरे परिवार में बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं 4-5। हाँ पूरा करते हैं जी 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 जाते हैं। अभी कमाने जा रहा हूँ, अभी तो शुरुआत हुआ है, ये रास्ता है। हाँ बचा के रखते हैं, आज भी निकालेंगे, जिस तरह से रोज निकालता है ना अपना स्कूल का फीस, दूध का फीस, उसी तरह से जन कल्याण का फीस निकालता हूँ, क्योंकि हमको कहीं पढ़ा था, मैं कभी हूँ, मैं लिखता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। हाँ कविता मैं सुनाता हूँ, हाँ लालू पर सुनाते हैं, लालू पर जी को सुनाता हूँ,
लालू प्रसाद यादव एक अवतार हैं, न्याय के रथ पर सवार हैं। दुश्मन इनके बहुत सारे, पर दोस्त इनके बड़े प्यारे न्यारे। साजिश करके कुछ लोगों ने भेजा इनको कई बार जेल, पर इन लोगों का साजिश रूप नहीं चलता यहाँ पर कोई खेल। ये संपूर्ण झकास है, ये परिपूर्ण विनाश है, और मित्र इनके एकदम झकास है। लालू जी का क्या कहना, ये गरीब मजलूमों का है सुंदर गहना, ये बेजुबानों को जुबान दिए, महापुरुष का सम्मान किए। जब देश दुनिया में परेशानी आती है तो लालू प्रसाद यादव ऐसे होते हैं जो चेहरे से उप नहीं करते हैं, आंखों से आंसू नहीं बहा कर रोते हैं, पर जहर का कड़वा घूंट भी पी लेते हैं। लालू प्रसाद एक शख्स है, लालू प्रसाद ऐसे एक शख्स है, उनके कितने गरीब हुआ है जान देने के लिए शख्स है। हमारे साथ थे राजद के नेता हैं, और ये बहुत दिल से बिहार की जनता के लिए अपने कमाई का जो हिस्सा होता है वो आधा हिस्सा निकाल कर प्रतिदिन रख देते हैं और उसे जनता के बीच में बांटते हैं। रबजी लाइव के लिए पटना से पंकज कुमार।